बेस मार्क्स और बोनस मार्क्स, क्योंकि डिजिटल मार्किंग का तो चक्कर अब खत्म हो ही गया है, राइट। और अब आप लोगों की जो है मैनुअली मार्किंग हो रही है, तो डिजिटल को अगर हम स्किप कर दें तो अब ग्रेस मार्क्स और बोनस मार्क्स मैम मिलेंगे। तो हाँ, ऑफ कोर्स मिलेंगे ही, ठीक है, सबको मिलेंगे, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ अगर आप लोगों का पेपर जो है वो थोड़ा मुश्किल रहा है, मतलब कंपेयरिंग ऑल सेट्स, आपका अगर क्वेश्चन पेपर अगर आपका सेट थोड़ा सा हार्ड आया, लेवल अगर आप था, तो उसके भी आपको ग्रेसिंग मिलती है, ठीक है। सो उसकी टेंशन नहीं है। अब बोनस और ग्रेस मार्क्स जो हैं उनकी कैलकुलेशन जो है वो किस हिसाब से होगी, सबसे फर्स्ट पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि ग्रेस मार्क्स हों या फिर बोनस मार्क्स हों, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स, दोनों तीनों का मतलब सेम होता है। बट ये किस कंडीशन में मिलते हैं, या तो अगर कोई बच्चा जो है 2-3 मार्क्स से रह रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा देकर पास कर दिया जाता है। अब कई बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि मैम हम लोग, हमने इस बार भी पेपर दिया, कंपार्टमेंट आई हुई थी लास्ट ईयर, हमारे जो है वो 2 नंबर से हमें फेल कर दिया गया, तो अब वहाँ पर 2 नंबर से नहीं, आप 5-6 नंबर से कम हो रहे होंगे। तो आपको कोशिश की जाती है कि बच्चे को थोड़ा सा आगे पहुंचाया जाए, बट जब उनके हाथ में नहीं है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स दें, क्योंकि आप लोगों ने यू डिड नथिंग इन योर पेपर, तो वहां पर आपको किस बिहाफ पर वो मार्क्स देंगे, है ना। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, आपकी क्रिएटिविटी आपके पेपर में झलके, सो दैट टीचर का खुद से मन हो कि हाँ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, सो दैट देखो 10th वालों को आप लोगों को 13-14 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है, बाकी तो असेसमेंट के मार्क्स मिलकर आप पास हो जाओगे। 12th क्लास वालों को यू वॉन्ट टू 27 अराउंड मार्क्स फॉर द पासिंग रिजल्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके 2-3 नंबर 4 नंबर अगर रह रहे हैं, तो आप लोगों को यू विल गेट ग्रेस मार्क्स और एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर पासिंग। और उसके अलावा में कैलकुलेशन के लिए ग्रेस मार्क्स और बोनस मार्क्स आपके इसी के अंदर ऐड होंगे, जो परसेंटेज में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, आपके 25 नंबर बन रहे हैं, आपको 27-28 2-3 नंबर देकर पास कर दिया जाएगा, और उस बिहाफ पर ही आपकी परसेंटेज बनेगी। तो मार्क्स के अंदर ही ग्रेसिंग इंक्लूड होती है, ठीक है, वो एक्सक्लूड मत करिएगा, उसके बाद मिलके ही आपके फाइनल मार्क्स बनते हैं, और उसके ही बिहाफ पर आपकी परसेंटेज बनती है। और परसेंटेज के लिए मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है कि यानी 5 सब्जेक्ट आप लोगों को लेने हैं फॉर कैलकुलेट योर परसेंटेज, एंड ऑल्सो ऑन दैट टॉपिक आई मेड अ पर्टिकुलर वीडियो, सो प्लीज़ विजिट माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। इसके अलावा मैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश और इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो उसके लिए भी मैं थोड़े थोड़े से अभियान चला रही हूँ, मतलब कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सो दैट आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो पाए। अब पक्के ब्रिटिशर्स तो हमें नहीं बनना, बट एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि हम मॉडर्न जमाने के साथ मिलकर चल सकें, है ना। तो उसके लिए मैंने स्पीकिंग शॉर्ट्स भी स्टार्ट किए हैं इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, साथ साथ टेलीग्राम पर ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक और इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न, सो यू कैन ज्वाइन ऑल्सो, ओके। प्लीज़ कीप शेयर, कीप सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बाय बाय।